300 लोग मरना, 1000 के ऊपर लोग घायल होना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये पूरा उसके ऊपर सही जांच होना चाहिए। कल रात से सारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता लोग वहाँ लोगों को मदद करने का काम किया। क्यों बार बार इन लोग ने नया नया ट्रेन ला रहे, सब कुछ ला रहे, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी दिख रहा है, उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। तो क्या कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है, जो ऐसा हादसा भविष्य में आगे ना हो? ना ना, इसमें सरकार को कहना चाहिए। सरकार ने जो कवच करके नया प्रोग्राम इन लोग ने लॉन्च किया, उसको एक इवेंट मैनेजमेंट बनाया, दुनिया भर में इसको डंका बजाया, इसके बाद कैसे हुआ? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इन लोगों का लैक ऑफ जो समस्या है। तो अभी हम जल्दी से कुछ नहीं कहना चाहते। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी IYC में मौजूद हूँ और आप सभी का जनहित आवाज़ में स्वागत है। आज पूरा देश शोक से लिप्त हो चुका है कि जिस प्रकार से उड़ीसा में 3 ट्रेन एक साथ टक्कर लग के बहुत लोगों की क्षति हुई है, उसमें लोग मरे हैं। उसमें हमारे साथ अभी BV श्रीनिवास हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सर BJP ने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया, जाहिर सी बात है सबने, जिसका भी जो भी कार्यक्रम था सबने रद्द कर दिया। किस प्रकार से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हुई है, नॉट ओनली BJP, पूरा देश में सारे पार्टी का जो भी कार्यक्रम है सारे रद्द किया है, बट इतने बड़ा आस्था देखने को मिला है। कहीं ना कहीं वहाँ जो कर्मचारी लोग है, क्या है इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सही नहीं आया। जो 3-3 ट्रेन टुकराना, 300 लोग मरना, 1000 के ऊपर लोग घायल होना, ये छोटी बात नहीं है। तो ये पूरा उसके ऊपर सही जांच होना चाहिए, उसका रिपोर्ट आना चाहिए। जो परिवार के साथ इंजस्टिस हुआ है, जो आज उनके परिवार में कोई खोया है, उन परिवार को न्याय मिलना, कुछ पैसे दे के इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उनके परिवार में कोई भी जो सक्षम है उनको न्याय मिले, जॉब मिले। आजाद भारत में जब से आजाद हुआ है भारत, कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक 5वीं सबसे बड़ी ट्रेन की हादसा है, 5वां हादसा है ये, सबसे बड़ा जो हादसा में गिना जा रहा है तो 5वां हादसा है। तो क्या कमी है जिसको सुधारने की जरूरत है, जो ऐसा हादसा भविष्य में आगे ना हो? ना ना, इसमें सरकार को कहना चाहिए। सरकार ने जो कवच करके नया प्रोग्राम इन लोग ने लॉन्च किया, उसको एक इवेंट मैनेजमेंट बनाया, दुनिया भर में इसको डंका बजाया, इसके बाद कैसे हुआ, ये सोचने का बात है, कॉमन सेंस की बात है। वो भी शाम में, तो 7 बजे के लगभग हुआ है, तो एक हो गया तो दूसरा तो वो रुका सकता था, फिर भी वो कैसे छूट गया है? ये मीन्स कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इन लोगों का लैक ऑफ जो समस्या है। तो अभी हम जल्दी से कुछ नहीं कहना चाहते। जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो वहाँ रिलीफ वर्क करना है और कुछ जो ब्लड का जो मांग आ रहा है उसके ऊपर हम लोग ने तमाम फोकस किया है। हाँ, वहाँ ऑलरेडी चल रहा है यूथ कांग्रेस तमाम साथी, यहाँ भी हमने उनके जो भी जो आज आस्था में जो डेथ हो गया उन लोग के लिए श्रद्धांजलि और मौन व्रत के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा। नहीं, जैसे कि ममता बनर्जी आ रही हैं वहाँ पे और अश्विनी वैष्णव भी गए हैं और मोदी जी भी वहाँ पे जा रहे हैं, क्या कांग्रेस के कोई नेता वहाँ पे जाएंगे? पूरा कांग्रेस वहाँ लोगों को सेवा करने में, रिलीफ करने में लगा है। जो उनके नेता जो गया है वहाँ, कांग्रेस का सबसे पहले अभी वो लोग पहुँचा है। कल रात से सारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता लोग वहाँ लोगों को मदद करने का काम किया। लगातार वंदे भारत को लॉन्च किया जा रहा है और आपको मालूम होगा वंदे भारत भी काफ़ी बार वंदे भारत की भी एक्सीडेंट नहीं, वो कितने भी लॉन्च करे पहले वो जो तरीके से क्यों ऐसे बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों बार बार इन लोग ने नया नया ट्रेन ला रहे, सब कुछ ला रहे, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी दिख रहा है, उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ी लॉन्च करते जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वंदे भारत से लेके सारी जो ट्रेन है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे वो वंदे भारत के साथ हो, चाहे वो ट्रेन जो लोकल ट्रेन्स हैं, जो राजधानी ट्रेन्स हैं उसके साथ हो।
बीबी श्रीनिवास थे हमारे साथ, हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, यूथ कांग्रेस के जितने भी युवा हैं वो सारे वहाँ पे जाके जो पीड़ित परिवार है, जो घायल लोग हैं उसको ब्लड भी देंगे। तो आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है?